अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेनेरिया में डाइजेशन किस तरह से होती है और प्लेनेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या वो सैकलाइक है या ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है और प्लेनेरिया में क्या अडाप्टेशन हैं। इस वीडियो में हम प्लेनेरिया को डिस्कस करेंगे, खास तौर पे प्लेनेरिया में डाइजेशन को। तो प्लेनेरिया का जो फाइलम है इनवर्टिब्रेट में वो प्लेटीहेलमेंथिस है। तो प्लेनेरिया कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो पैरासाइट हो, बल्कि ये फ्री लिविंग है और ज्यादातर फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सैकलाइक के, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है फॉर इंजेशन एंड इजेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस तरह का एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं हाइड्रा में, तो सिमिलर इज द केस के जहां पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्लेन एरिया का है वो सैकलाइक है। इसका मतलब क्या है कि मीन के जो माउथ होगा वो एनस का काम भी करेगा। माउथ के थ्रू फूड एंटर भी होगा और माउथ के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव भी हो जाएगा। तो वही बात हो रही है कि जो बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे तकरीबन मिडल में जो जगह है वो माउथ वहां पे लोकेटेड है और माउथ के थ्रू ही फूड क्या होता है एंटर होता है। अब माउथ के बाद जो चीज आती है वो मस्कुलर ट्यूबुलर फेरिंग्स, मीन माउथ से जो खुराक है वो कहाँ पे जाती है फेरिंग्स में। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एबनॉर्मल सी चीज भी आएगी जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह फेरिंग्स जो है वो इवर्सिबल फेरिंग्स होती है, वो माउथ से बाहर निकल के फूड को ट्रैप करेगी और उसको जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भेज दी जाएगी। अब फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले माउथ आएगा, फिर मस्कुलर ट्यूबुलर फेरिंग्स आएगी, फिर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी ना तीन ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच सर की तरफ निकल जाएगी आगे को तरफ और दो ब्रांच जो है वो जो है वो लोअर साइड की तरफ चली जाएंगी और वहां दो ब्रांचेस होंगी। तो टोटल तीन ब्रांचेस में डिवाइड है इंटेस्टाइन, ये आपने याद रखना है। और ये जहां पे एंड तक बिल्कुल ये सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी और सिकाई नाम के स्ट्रक्चर्स बनाएगी ताकि जो है वो हर पार्ट को जो है खुराक मिल सके। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन एक ही ओपनिंग है फॉर इजेशन एंड इंजेशन और उसके बाद फेरिंग्स है, लेकिन फेरिंग्स इवर्सिबल फेरिंग्स है, वो अगले पिक्चर में हम देखेंगे। फिर इनकी जो है वो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल ट्यूब 3 जो है वो डिफरेंट ट्यूब्स में डिवाइडेड है और इंटेस्टाइन जो एंड होती है वो सिकाई नाम के स्ट्रक्चर में एंड होती है ताकि वो इसको क्लियर हो सके। अब अगर हम यहाँ से शुरू करें तो इसमें छोटा सा ब्रेन भी लोकेटेड है और इसके आई स्पॉट भी क्लियर है, ये इंटीरियर पार्ट है और दूसरा जो है इस साइड वाला वो पोस्टीरियर पार्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फिगर में है माउथ बड़ा क्लियर है, ठीक है। अब माउथ के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ये जो देखे सर की तरफ जा रही है इंटीरियर पार्ट की तरफ वो भी इंटेस्टाइन है, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड पे जा रही है वो इंटेस्टाइन की दो ब्रांचेस है। यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया नाम के स्ट्रक्चर भी लिखे हुए हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है नॉर्मली, और ये जो आप डिफरेंट ये ब्रांचेस देख रहे हैं इंटेस्टाइन की, ये सिकाई है। इनका काम यह है कि वहां तक हर जगह तक पहुंच जाए जहां तक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी डाइजेस्ट करे हर पार्ट तक पहुंचे। उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ नर्व्स भी देख रहे हैं जिनको हम नर्वस सिस्टम के चैप्टर में देखेंगे। दो नर्व्स आप देख रहे हैं पैरेलल रन कर रही हैं फ्रॉम ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे डाइजेशन जो है बेसिकली वो तीन स्टेप्स में कंप्लीट होगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो इंजेशन का है। तो प्लेनेरिया की जो प्लेनेरिया किसी भी अगर प्रे को इनगल्फ करता है तो वो जो एक फेरिंग्स के थ्रू ही इनगल्फ करेगा और ये प्रोट्रूडिंग इवर्सिबल फेरिंग्स मीन जो है फेरिंग्स माउथ से बाहर निकल के प्रे को कैप्चर करेगी और उसको गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी में पुश कर देगी। मैं यही बात करना ज्यादा चाह रहा था, अब ये देख लें। ये उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। वेंट्रल साइड पे
दो हिस्से जा रहे हैं और आगे सर की तरफ भी इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जा रहा है। अब जो ये देखें कि फेरिंग्स जो है वो माउथ से बाहर निकल के फूड को कलेक्ट कर रही है और उसको डाइजेस्टिव कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फेंक रही है, और एक ही ओपनिंग है, बाकी कोई इंटेस्टाइन के बाद ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग सिर्फ माउथ है, और माउथ के अंदर से वर्सिबल फेरिंग्स निकल के फूड को पकड़ रही है, ये आपने याद रखना है। अब डाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया में जो डाइजेशन है वो बेसिकली दो टाइप्स की डाइजेशन है। हम पहले भी इन दो टाइप्स को डिफरेंट वे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से मुराद वो डाइजेशन है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो रही है, मीन जो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो रही है और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग में सेल्स हैं या ग्लैंड हैं वो जो है एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, और एंजाइम्स के थ्रू कहाँ पे डाइजेशन हो रही है, इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब ये वाली जो है डाइजेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। इंट्रासेलुलर डाइजेशन से क्या मुराद है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन से मुराद है जो सेल्स के अंदर जाके डाइजेशन होती है, ठीक है। अब ये जब सारे जो है डाइजेशन कंप्लीट होगी तो फूड पार्टिकल्स जो बनेंगे, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे, वो सेल जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स उनको एनगल्फ कर लेंगे, और इसके बाद जो डाइजेशन होगी वो सेल्स के अंदर होगी और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो बॉडी पार्ट्स को मिल जाएंगे थ्रू द डिफ्यूजन, ठीक है। और ये जो ब्रांच इंटेस्टाइन हमने बात की कि सिकाई की फॉर्म में इंटेस्टाइन की जो ब्रांचेज है ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट में पहुंची हुई है, ठीक है। आप अगर ये पहले वाली बहुत ही क्लियर फिगर में देखें तो ये पर्पल कलर में जो इंटेस्टाइन है इसमें आप देखेंगे ये छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, और ये इनका काम यही है कि बॉडी के हर पार्ट में खुराक पहुंचे। तो उसके बाद क्या होगा कि ये डिफ्यूजन को भी यकीनी बनाती हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है थ्रू माउथ। अब दोबारा शुरू में आते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि एक ही ओपनिंग है, माउथ इज द ओनली ओपनिंग फॉर इजेशन एंड इंजेशन। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेन एरिया में सैक लाइक है, ट्यूबुलर नहीं है। गो गेस्ट में इंटेस्टाइन भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जो है सारी ऑलमोस्ट इंटेस्टाइन में हो रही है, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक है। प्रोटोनेफ्रीडिया की बात हो रही है, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर हैं और इनका काम है एक्सक्रीशन। यहाँ पे आप जो है वो नर्व कॉर्ड जो है डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी देख रहे हैं, और इनका काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का है। नर्वस सिस्टम एज सच डेवलप नहीं है लेकिन प्रेजेंट भी है। अल्लाह हाफिज़।